हेलो गाइस, यू आर वाचिंग वेबनोटेक। इस वीडियो में जानेंगे कि गूगल साइटकिट को वर्डप्रेस के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे पूरा प्रोसेस। सो लेट्स स्टार्ट। चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और सर्च करते हैं अपनी वेबसाइट webnotech.com। ये मेरी वर्डप्रेस की वेबसाइट है। इसके डैशबोर्ड पर जाने के बाद यहाँ हम जाएंगे प्लगइन के अंदर, एड न्यू प्लगइन करेंगे। अगर आपके पास प्लगइन ये गूगल से डाउनलोड है तो आप अपलोड कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे जाके साइट किट सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको वो प्लगइन शो हो जाएगा। यहाँ पे मैंने इंस्टॉल कर दिया ये वाला प्लगइन। प्लगइन इंस्टॉल होने के बाद हम इसको एक्टिवेट करेंगे। ये मेरा प्लगइन एक्टिवेट हो चुका है, तो अब क्लिक करते हैं साइट किट पर। यहाँ पे हम चेक मार्क पर क्लिक करते हैं, कनेक्ट गूगल एनालिटिक्स एज पार्ट ऑफ योर सेटअप। नेक्स्ट चेक बटन पर क्लिक करते हैं एंड साइन इन करते हैं गूगल विद। जैसे आप साइन इन करेंगे तो आपकी जो भी सर्च कंसोल है वो इससे कनेक्ट है। यू आर ऑलरेडी वेरीफाइड, इस पर क्लिक करेंगे अलाउ। आप जैसे नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे बता रहा है ऑलरेडी सर्च कंसोल, तो मेरी लास्ट वीडियो को आप देख सकते हैं कैसे मैंने सर्च कंसोल को कनेक्ट किया है आई बटन पे क्लिक करके। नेक्स्ट करेंगे, जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका जो साइट किट है वो कनेक्ट होने लग जाएगा। कंप्लीट सेटअप पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी वो सिलेक्ट करेंगे। आपका जो भी अकाउंट हो जो उसी ईमेल आईडी से होना चाहिए, जो भी सारी चीज़ें आप करते हो वो आपका सेम ईमेल आईडी होना चाहिए, सर्च कंसोल के लिए, गूगल एनालिटिक्स के लिए, वर्डप्रेस के लिए, सभी के लिए। तो यहाँ पे कंप्लीट सेटअप हो चुका है हमारा साइट किट। अब साइट किट के विंडो पे जाएंगे, कांग्रेस आ गया है आपका लिखा हुआ। ये देखिए आपका जो साइट किट है वो कम्प्लीटली कनेक्ट हो चुका है। जो आपका ट्रैफिक है वो यहाँ पे शो होने लगा है, जो सर्च कंसोल में शो होता है।